बलौदाबाजार पुलिस की गांजा तस्करी पर बड़ी कार्यवाही। लवन पुलिस द्वारा कार्यवाही कर कुल एक क्विंटल गांजा कीमती 6 लाख रुपए किया गया जब्त। मामले में आरोपियों से गांजा बिक्री रकम कुल 5 लाख भी किया गया बरामद। साथ ही एक मोटरसाइकिल, हारनेट, 2 मोबाइल एवं 1 बटनदार स्पिंज वाला चाकू जब्त। मामले में लवन नगर निवासी 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा क्षेत्र में बिक्री करने हेतु उड़ीसा से लाया गया गांजा। मुखबिर सूचना मिलने की शिव कुमार साहू एवं शुभम साहू निवासी लवन द्वारा हारनेट मोटरसाइकिल में अवैध रूप से गांजा लेकर बिक्री हेतु लवन से बगबूड़ा की ओर जाने वाले हैं की सूचना पर चौकी लवन पुलिस द्वारा बगबूड़ा रोड लवन में बाद लवन की ओर से एक हारनेट मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक CG22R7522 को रोका गया। मोसा को लवन का शिव साहू चला रहा था। बीच में एक सफेद रंग के बोरी एवं एक पान मसाला वाले थैले में सामान को लेकर शुभम साहू पीछे बैठा था, जिनका विधिवत तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों से 10-10 सेलोटेप से चिपके पैकेट में मदक पदार्थ गांजा कुल 20 किलोग्राम मदक पदार्थ गांजा, 1 बटन वाला स्पिन चाकू, नकदी 50 लाख एवं 2 मोबाइल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों गड़ों को कढ़ाई से पूछताछ पर उन्होंने उड़ीसा से गांजा मंगवाकर लवन स्थित एक्ट 25 अंश एक्ट पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड कर जेल भेज दिया गया है। बलौदाबाजार से राघवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। 23/2/22 की घटना है। रात्रि करीबन 11:45 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि बगबूड़ा रोड तरफ से 2 व्यक्ति कुछ गांजा उंजा लेके आ रहे हैं। तो सूचना के आधार पर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी लवन और संजीव सिंह राजपूत ASI और उसके साथ ही स्टाफ थे पीला राम, सूरज बंजारे और राजेंद्र साहू वगैरह, ये सभी वहाँ पर बगबूड़ा रोड पर गए। और जैसे उधर से इन लोग 2 व्यक्ति, जिसमें एक है शिव कुमार और दूसरा शुभम साहू, ये दोनों आए, उनको रोक के पूछताछ किए। तो एक पान मसाला के उसमें बोरी में और भूरे रंग के कागज में सील बंद के हुआ 20 किलो करीब गांजा उनके पास था। तो उसके बाद और पूछताछ करने पर उसने बताया कि 20 तारीख को, आज से मतलब 20 तारीख को, 20/2/22 को, कि लगभग 2 क्विंटल गांजा लवन में शुभम साहू के घर में डंप हुआ है। और वो गांजा शुभम साहू के यहाँ डंप इसलिए हुआ था क्योंकि क्योंकि उस दिन शिव कुमार साहू घर में नहीं था, उसने शुभम के यहाँ उसको डंप करवा दिया था 2 क्विंटल गांजा को। 2 क्विंटल गांजा में से 1 क्विंटल गांजा को सप्लाई कर दी इधर उधर और 1 क्विंटल गांजा बचा हुआ था वहाँ पे, 80 किलोग्राम गांजा। और इस प्रकार उसकी मेमोरेंडम का आधार, उसके बताने अनुसार वहाँ जाके रेड किए, रेड करने पर नकदी रकम 4.5 लाख रुपए और 80 kg गांजा और 1 बटन वाले चाकू तथा मोबाइल, 2 मोबाइल इनके पास से जब्त किया गया। और उसके बाद वो पुलिस जब्त करने के बाद जो कार्रवाई की है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। संपूर्ण कार्रवाई में अपने जिला पुलिस बलौदाबाजार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक झा महोदय के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की गई है और आज मुजरिमों को रिमांड पर भेजा जा रहा है। कुल टोटल मसरूका है 12,07,500 रुपये का। सर कितने आरोपी संलिप्त हैं, क्या क्या नाम है? इसमें 2 आरोपी संलिप्त है जिसमें शिव कुमार साहू है और शुभम साहू है। इसके अतिरिक्त और कुछ चीजें जिसको पुलिस गोपनीय रखी है, ओपन नहीं किए हैं,
और हो सकता है कि जहाँ से माल लाया है उसका भी नाम पता लग गया है और काली टेक वगैरह के आधार पर नाम लग गया है और आगे की कार्रवाई उसी हिसाब करेंगे।